तेरी नजर ने क्या कर दिया, ही मुझको जुदा कर दिया मेरे। सो हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो गाइज अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है, तो कुछ इसी तरह का लोफी रिमिक्स स्टेटस वीडियो बनाने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पे अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो इसको आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बीट मार्क प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है और एक प्रीसेट मिल जाएगा, इसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, इन दोनों फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और गाइस जितना भी मटेरियल मैंने इस वीडियो के एडिटिंग के लिए यूज किया है सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ईजिली जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे डाउनलोड करते हैं मटेरियल्स को या कैसे एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट करते हैं लाइट मोशन में, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा हूँ, फुल वीडियो है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके देख लेना। तो गाइस सबसे पहले कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर लेना, एक ये मिल जाएगा और साथ में गाइस यहाँ पर एक प्रीसेट मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो पहले हम यहाँ पे बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करना क्या गाइस, सिंपली यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में आ जाना है और प्लस की ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया पे आके सिंपली यहाँ पर गैलरी में आ जाना है और अपनी इमेज को यहाँ पर आपने ऐड कर लेना होगा। ठीक है, और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर लेना और इमेज को फुल स्क्रीन कर लेना जूम करके कुछ इस तरह से और सेंटर में फिक्स कर देना है। ठीक है, अब इसको गाइस पूरी एंड में आ जाना और यहाँ पर क्लिक करके इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर लेना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद इमेज को टैप कर लेना और इसको नीचे ले जाकर छोड़ देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद में बैक होकर हमने यहाँ पे प्रीसेट में आ जाना है और यहाँ पर नीचे में जो इमेज दिख रहा है इसको क्लिक करके इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आकर कॉपी इफेक्ट कर लेना है और अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना है। उसके बाद में कहा यहाँ पर जो इमेज है क्लिक कर लेना, इफेक्ट में आकर थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अब शो हो जाएगा। अब यहाँ पर ग्रुप वन पे क्लिक कर लेना और इफेक्ट सॉरी ग्रुप में आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गाइस कुछ आपको इमोजीस मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ शेप का ऑप्शन है, तो अगर आप शेप पे क्लिक करके इसकी कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर में आके देख सकते हो, यहाँ पर कलर को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर गाइस ऊपर आपको देख सकते हो इमोजी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये फॉन्ट है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर इस फॉन्ट को ऐड कर लोगे तभी आपकी इमोजी कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ऐड कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है और व्यू ऑल फॉन्ट्स पे आ जाना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके इंपोर्ट फॉन्ट्स पे क्लिक कर लेना है। जहाँ भी आपने फ़ॉन्ट को डाउनलोड करके रखा होगा सिंपली फ़ॉन्ट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पे ये फ़ॉन्ट यहीं पे शो हो जाएगा। मेरे फ़ोन में पहले से बहुत सारा फ़ॉन्ट है अलाइट मोशन में ऐड, तो इसलिए यहाँ पे वो फ़ॉन्ट नीचे में है, तो सिंपली हमने सर्च कर लेना है। उस फ़ॉन्ट का नाम है iOS। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो फ़ॉन्ट है इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखो आपकी जो गाइस इमोजी है कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर इमोजी पे क्लिक करके जो भी इमोजी आप लगाना चाहते हो देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी इमोजी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इमोजी को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर लेना है। उसके बाद में गाइस जो ऊपर में जो ग्रुप है उसको क्लिक कर लेना, ग्रुप एंड मास्क वन जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे एडिट ग्रुप में आ जाना है। अब यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे आके अपनी इमेज को ऐड कर लेना है और क्लिक करके गाइस यहाँ पर सबसे नीचे ले जाकर छोड़ देना है। अब इमेज को क्लिक करके गाइस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने अच्छे से बीच में सेंटर में फिक्स कर लेना। अब देखो गाइस यहाँ पर अगर आपकी इमेज फिक्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि देखो मेरा ये इमेज थोड़ा सा छोटा है तो इसमें मैं एक इफेक्ट को ऐड करूँगा। तो पहले इस फोटो के ड्यूरेशन को मैं एंड तक कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर हम इसी इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गाइस एड इफेक्ट पर आके यहाँ पर हमने सर्च कर लेना है टाइल्स। तो सिंपली टाइल्स इसको सर्च करके सिलेक्ट कर लेना, स्टैंडर्ड सेटिंग्स को ऑन कर लेना और यहाँ पर आपको एक मिरर का ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर लेना होगा। तो देखो जो साइड से गायब था ना, यानी कि साइड से दिख रहा था ना वो पार्ट बैकग्राउंड का, तो यहाँ से अब बंद हो चुका है, देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप अपने फोटो को एडजस्ट कर लेना और इसको मैं नीचे की तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, और डन कर लेंगे। अभी बैक हो जाओगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अभी गाइस हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देख सकते हो प्लस पे क्लिक करके और मीडिया के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली गाइस एक लिरिक्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से लिरिक्स मिल जाएगा, तो क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर सिंपली गैलरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले भाई ढूंढ लेता हूँ गाइस लिरिक्स कहाँ पर है पहले। तो फाइनली गाइस यहाँ पर लिरिक्स मिल चुका है, तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस इसमें सॉन्ग भी पहले से ही ऐड है, ठीक है, लिरिक्स में। तो आपको लिरिक्स को ऐड कर लेना है, जिस भी फोल्डर में रखा होगा भाई आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब लिरिक्स पर क्लिक कर लेना और इफेक्ट पैकेट इफेक्ट पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर देखो एक क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको क्लिक कर लेना और यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग्स के नीचे ग्रीन स्क्रीन होगा प्रीसेट जीएस, ठीक है। तो ये देखो इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो कलर ग्रीन है इसको टैप करके आपने ब्लैक सिलेक्ट कर लेना है, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर बैक होकर मूव एंड ट्रांसफर में आके इसको नीचे ले जाकर कुछ इस तरह से आपने छोड़ देना है, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, बॉर्डर एंड शेडो में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके इनेबल कर लेना है और इसको कैसे इंक्रीज कर लेना है 30 या 32 के अप्रॉक्स आपने इतना करके छोड़ देना है, ठीक है। फिर से प्लस पर क्लिक करके एक शेप को ऐड करके 3 डॉट पे आकर फील कंपोजिशन एरिया पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेना है, देख सकते हो। और इसकी ड्यूरेशन को हमने एंड तक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में गाइस फिर से इसको सिलेक्ट करके कलर एंड फील के ऑप्शन में आके यहाँ पर सिंपली इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर इसको नीचे की तरफ कर लेना है, ऐसे करके कर लेना आपको नीचे की तरफ इसको। और यहाँ पे ब्लैक कलर आपको ऐड कर लेना है और इधर आपको व्हाइट कलर ऊपर आगे ऐड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी में आ जाना है, डार्कन के ऑप्शन को टैप करके मल्टीप्लाई पर क्लिक कर लेना है। अब इसको क्या करना है, क्लिक करके आपने पूरी लिरिक्स के नीचे छोड़ देना है कुछ इस तरह से। अब गाइस इसको अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके फेस पे ज़्यादा यहाँ पर देख सकते हो गाइस ग्लो कम हो रही है, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो इसको, बस हमें लिरिक्स शो करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इतना करके छोड़ देता हूँ गाइस, ठीक है, डन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर से गाइस यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर सिंपली गाइस इमोजी वाले ऑप्शन को क्लिक करके जो भी इमोजी ऐड करना ऐड कर सकते हो और इस वाले ऑप्शन को क्लिक करके इसको नीचे की तरफ कर देना है। अब रोबोट और रेगुलर जो दिख रहा है इसको क्लिक करके हमने कहा जो फॉन्ट हमने पहले स्टार्टिंग में ऐड किया था iOS वाला, उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको टैप करके मूव एंड ट्रांसफर में आके अपने अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। अब इसकी ड्यूरेशन को हमने फिर से एंड तक कर लेना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद में गाइस हमने क्या करना है, फिर से यहाँ से बैक हो जाना है और अपने प्रीसेट में आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गाइस ऊपर में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेगा, तो तीनों को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे थ्री लेयर को प्लस के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है यहाँ पे और कॉपी 3 लेयर कर लेना है, ठीक है। तो तीनों लेयर को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करके कॉपी 3 लेयर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में बैक होकर उसी बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना है और प्लस पे क्लिक करके पेस्ट 3 लेयर कर लेना है, ठीक है। तो इतना कर लेना है गाइस। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो गाइस अपने नेम वगैरह लिखना चाहते हो तो वैसे सिंपली आप नेम भी लिख के अपने यहाँ पर लगा सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग गाइस यहाँ पर अपना लोगो को डाल सकते हो जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे तो जो हमें इमेज है तो ग्रुप वाले इमेज पे क्लिक कर लेना है इस वाले पे और यहाँ पे इफेक्ट पे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर गाइस हमने सिंपली क्लिक कर लेना, ये जो देख सकते हो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे ये स्विंग वाला, इसको टैप कर लेना है, ठीक है। और 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर जो हमारी ऊपर जो हमने लेयर जो ऐड किया ये इमोजी वाला, इसको क्लिक करके इफेक्ट में आकर 3 डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। अब इसी ग्रुप पे फिर से क्लिक कर लेना है और इफेक्ट में आके यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीलेट वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और 3 डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट कर लेना है इसका, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी लेयर होगा ना जो ऊपर में जो है इमोजी वाला, इसको टैप करके इफेक्ट में आके पेस्ट कर लेंगे। इससे ये होगा कि गाइस जैसे जैसे वो हमारी मूवमेंट जो है यहाँ पे इमेज करेगा वैसे वैसे इमोजी भी सेम होगा, इसलिए गाइस वहाँ से हमें कॉपी करना है, ठीक है। अब दोस्तों फाइनली हमारी वीडियो बनके रेडी हो चुकी है। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना और शेयर के ऑप्शन में क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।